वेलकम टू द सिटी ऑफ रिचेस। तो हम ना उस सिटी में आ गए हैं जहाँ पर सारे ही बंदे ना अमीर हैं, बट इन अमीरों को ना हमने लूटना है आज की गेम के अंदर। जी हाँ, तो आज हम खेलने जा रहे हैं थीफ सिमुलेटर, जिसके अंदर हमारा जो रोल है ना वो एज अ थीफ है, यानी चोर हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ना अमीरों के पास ना बहुत सारी दौलत है, ये सारी दौलत हम इनसे ले लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने बढ़िया डिज़ाइन है इनके घर के, और बड़ी ज़बरदस्त इनके स्विमिंग पूल हैं, और इनकी ज़बरदस्त और एक्सपेंसिव गाड़ीज़ हैं, और बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, बट हमारी गाड़ी भी इनसे ज़्यादा महंगी होंगी। और यहाँ के बैंक चेक करो यार, इनके लॉक भी हैं, बट ये सारे लॉक हम तोड़ेंगे, और यहाँ से जितनी भी कैश है ना वो सारा यहाँ से आज हम ले लेंगे। और मेरा नाम यहाँ पर गोना है, मैं गोना हूँ यार। ओके ओके ओके, मेरे को ना सबसे पहले अपनी कार को ना पार्क करना पड़ेगा, बट मेरे को ना भी इस तरफ जाना है। वो देखो वो येलो निशान मेरे को कुछ बता रहा है, बट अभी मैं तेरी के साथ भाग जाता तो फिर तो अच्छा होता। ये तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र है यार, 17 अभी ना मतलब कुछ 150 मीटर का जो सफ़र है ना वो रह चुका है। आज ना बहुत ही ज़्यादा मैं अमीर बनने वाला हूँ। ये देखो अभी कुछ तो सफ़र कम हुआ, बट अभी ना वीडियो को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये रही सामने हमारी गाड़ी। अभी फ़िलहाल इस गाड़ी को जल्दी से ना ले सकते, वैसे हम भाग भी सकते हैं। वैसे अभी इस गाड़ी पर मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ। ओके, चाबी लगा रहा हूँ स्वीप तक। यार मेरे को चाबी लगाने का तरीका भी नहीं आता, जल्दी से यार लग जा यार। ये देखो मैंने यहाँ पर लॉक तोड़ रहा हूँ, वैसे तो लॉक तो हमने बड़ी मुश्किल के साथ खोल दिया है। तो अभी फ़िलहाल हमने गाड़ी को चुरा लिया है, तो नेक्स्ट। यार चोरी करना कितना मुश्किल काम है, बट लेवल 1 के अंदर हमने गाड़ी को चुराया है, बट लेवल 2 के अंदर ना इसे भी बड़ा धमाका होने वाला है, बट वो होगा क्या वो तो पता चल जाएगा। यार आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, एक बात बताएं मेरे को, सच्ची बताओ। अगर नहीं किया ना तो मैं गेम यही परेंड कर रहा हूँ। अच्छा ओके ओके, मिस्टर हॉन्डन है ना वो इस वक्त शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, तो मेरे को ना उसके घर पर जाकर जितनी भी कीमती चीज़ें हैं ना वो लेकर ना बेचनी होगी, मतलब मैंने चोरी करनी है वहाँ पर। बट ये मेरी गाड़ी कहाँ गई यार, गाड़ी ये रही हमारी गाड़ी, बढ़िया हो गया। अभी मैं गाड़ी पर जाऊँगा ना तो जल्दी से पहुँच जाऊँगा। तो ये हमारी गाड़ी, हमने अभी जाना है इस तरफ। मेरे को ना गाड़ी ड्राइव करना आता ही नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ना मैं गाड़ी को ना चुराया था। ये देखो कितना ज़बरदस्त मैं, अभी सीख जाऊँगा, वैसे अभी नई नई गाड़ी है ना तो इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है, बट मेरे को अभी इस तरफ जाना है, यही बता रहे। वो देखो वो सामने हमारा येलो निशान ना घूम रहा है। सॉरी यार, ये तू कहाँ पर अटक गया। ये देखो ये तो मैं नीचे अब उतर गया, जल्दी से ना अभी चलता हूँ अपने इसके घर के अंदर, वरना मिस्टर होंडन साहब ना यहाँ आ जाए। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हम अभी फ़िलहाल ऊपर जा सकते हैं। तो ये देखें, ये हम ऊपर आ गए हैं। तो ये वाला जो डोर है ना वो तो हमने लिया खोल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यार, ये है मिस्टर होंडन का बढ़िया सा घर, बट हमने यहाँ पर 3 आइटम कलेक्ट करने हैं। 1 अभी मेरे को 1 मतलब मेरे को 1 मिला है, बट अभी मेरे को ना 12 फाइंड करने हैं। और ये देखो ये यहाँ पर ना सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ, इसे भी मैं ले लेता हूँ। वैसे मेरी गेम ना वैसे कुछ नाच रही है, एक मिनट। ये यहाँ पर भी एक मुझे एक रूम नज़र आ रहा है, क्या ये रूम खुलता है। यस ये रूम खुल सकता है। यहाँ पर भी एक लैपटॉप पड़ा हुआ, इसे भी ले लेता हूँ। और यहाँ पर भी एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, बट और कोई चीज़ कीमती है यहाँ पर नहीं। मेरे को अभी 9 फाइंड करना है, मेरे पास ना सिर्फ 4 मिनट ही बचे हुए हैं। अगर मैंने ये सारी चीज़ें ना फाइंड की ना तो मिस्टर खोतू साहब आ जाएंगे, यानी मिस्टर होंडन साहब ना आ जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ी सा किचन है, यहाँ पर ना एक ओवन पड़ा हुआ है, क्या इसको मैं ले सकता हूँ।
ये ले लिया। तो बाकी हमने 8 चीज़ें अभी फाइंड करनी हैं, बट ये कहाँ पर हैं मेरे को भी नहीं पता। एक मिनट, अभी यहाँ से ना एक छत पर जाने का रास्ता मुझे नज़र आ रहा था, ये रहा। तो अभी मैं छत पर भी जा सकता हूँ। अभी मेरे को ना यहाँ से बहुत सारे आइटम कलेक्ट करने हैं यार, जल्दी करूँ यार वरना मिस्टर होल्डन आ गए तो वो मेरे को ना पुलिस के हवाले कर देगा। तो यहाँ से मैंने एक पोर्ट ले लिया और ये डोर भी खुल गया मुझे, मेरे को लगता है। ये देखो कितना बढ़िया बेडरूम है, बट मेरे को बढ़िया बेडरूम यहाँ पर एक लैंप पड़ा हुआ, ये लैंप ले लेता हूँ। उस तरफ भी एक लैंप पड़ा हुआ, वो भी मैं जल्दी से ना ले लेता हूँ। अभी 5 आइटम कलेक्ट करने हैं। एक मिनट, यहाँ पर ऊपर भी कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो मेरे को ना 4 आइटम और कलेक्ट करने हैं। एक मेरे को लगा नीचे पड़ा हुआ, एक मिनट, एक इस रूम के अंदर भी नज़र आ रहा है मेरे को, ये रहा। तो अभी जल्दी से ना मैं अंदर चलता हूँ। इस रूम के अंदर भी मेरे को लग रहा है कुछ तो पड़ा हुआ, ये क्या है वैसे? ये भी एक बढ़िया सा बेडरूम है, यहाँ पर भी एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। बट मेरे को ना 2 और फाइंड करने हैं, बट और हैं कहाँ पर? एक सामने एक पोर्ट पड़ा हुआ है। टाइम अभी 3 मिनट मेरे पास है, बट मेरे को अभी एक और फाइंड करना है, वो मुझे लग रहा है नीचे पड़ा हुआ है। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, बट ये है, ये अब क्या चल रहा है? वो देखो, वो सामने पड़ा हुआ है एक पोर्ट, ये वाला पोर्ट हमने चुराना है, बस हमारा काम हो गया। ओके, अभी फ़िलहाल हमें इनको जाकर ना सील करते हैं। तो तीसरे लेवल के अंदर ना हम इन सब को सील करेंगे और हमारे पास ना बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी। मिस्टर होंडा, थैंक यू, तू दोबारा, ठीक ना, तू बार बार गया कर शॉपिंग करने के लिए। तो ये देख सकते हैं अभी ना, गो द पाउंड शॉप एंड सेल द लूटेड आइटम्स। ओके ओके सर, मैं ये लूटेड है ना, इन सब को ना, ये देखो मैं यहाँ पर ना भाग भी सकता हूँ। तो ये है दुकान, शॉप, बट ये शॉप का मालिक कहाँ पर है? खड़ूस तिरशिका, ये देखो ये सामने खड़ा हुआ। अभी इसके पास चलते हैं, इसको ना सारे आइटम दे देते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये देखिए, ये सारे के सारे आइटम पड़े हुए हैं। अभी मेरे पास ये एक, इसके मेरे पास 2, इसके ये 2 हैं, और मेरे पास ना 2 लैपटॉप हैं, एक ओवन है, और यहाँ पर एक लैपटॉप। सारे मैंने बेच दिए हैं फ़िलहाल, इतने सारे मेरे पास पैसे आ चुके हैं यार। वैसे पहले मेरे पास थे $1200। ये देखो अभी मेरे पास हुए 15,100 डॉलर। वाओ, अभी बट मेरे को क्या करना है वो भी मेरे को पता ही नहीं है, सच में कह रहा हूँ। अभी मेरे को लग रहा है किसी बैंक की रोबरी करनी होगी, बट ये बहुत मुश्किल होगा। अभी मेरे को ना फ़िलहाल सुपरमार्केट में जाना है, वहाँ पर रोबरी करनी है, बट किस पर जाऊँ? गाड़ी पर चला जाऊँ? यस, गाड़ी पर ही चला जाता हूँ। वैसे यहाँ, वैसे यार नज़दीक ही है वैसे। एक सौ सोलह मीटर था वैसे ऐसे ना। यार ये क्या, मैं ना, ये देखो सामने रही हमारी सुपर मार्केट, कितनी बढ़िया। ये देखो यार कितनी सुपर मार्केट हमारी बढ़िया। ये क्या यार, जल्दी से मैं इस लॉक को खोल देता हूँ। यार मेरे को ना लॉक खोलना आता ही नहीं। ये देख सकते हैं, अभी ये भी खुल गया है, बट मैं अंदर क्यों नहीं जा रहा यार। अच्छा, मेरे पास क्रोबार भी है, टूट गया शीशा यार। वैसे बट मेरे को ना अभी फिलहाल यहाँ से अंदर कैसे जाना होगा मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार। अभी कौन सा लॉक है मैंने अनलॉक करना है यार? सारे तो मैंने लॉक कर दिए अनलॉक, बट अभी ना मेरे को ज्वेलरी शॉप जाना होगा। वहाँ पर ना एक बहुत बढ़िया टिकना, वहाँ पर डायमंड पड़े हैं, वो मेरे को ना स्टील करने होंगे। बट अभी ना ऐसा करते हैं, गाड़ी पर ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ सफ़र ना बहुत ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं 118 मीटर का सफ़र है, बट ये तो इस तरफ बता रहा है। ओके, अभी यहाँ से एक रास्ता मेरे को मिल रहा है, अभी यहाँ से ना इस तरफ चलते हैं। गोना देख कर चल यार,
चलान वगैरह हो जाएगा वरना। ये देखो ये रहा सामने शॉप हमारी, पता नहीं एक मिनट ये पीछे ही शॉप रह गई यार। ये देखें ये सामने हमारी रही दुकान, अब पैदल जा सकते इतना तो यार। ये रही सामने दुकान, इसको मैं खोल सकता हूँ क्या? यस, इसको भी लॉक पिक के जरिए ही खोलेंगे। खुल जा, ये खुल गई अब। ये देखो यार इतने सारे एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से ना मेरे को 39 चीज़ें कलेक्ट करनी है। मेरे पास 5 मिनट का टाइम है यार, जल्दी जल्दी यार। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से 8 कलेक्ट कर लिए, एक मिनट यहाँ पर भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बट मेरे को टेंशन। ये देखो इतने सारे आइटम पड़े हुए हैं यहाँ पर। मेरे पास टाइम ही नहीं है यार इतना, मुझे लग रहा है ये तो मेरे को पुलिस के हवाले करके रहेंगे। ये देखो ये एक कलेक्ट, ये भी मैंने उठा लिया। ये देखो यार यहाँ पर कितने कीमती कीमती जेवर पड़े हुए हैं, मेरे को ना ये वाले सारे के सारे जेवर लेने हैं। अभी ना मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, यहाँ पर ना बहुत सारी अंगूठियाँ पड़ी हुई हैं, ज्वेलरी पड़ी हुई है, बट मेरे को ना सारे के सारे चुराने हैं यहाँ से। यहाँ पर ना इन बॉक्स को हम कैसे खोलेंगे यार, बट अभी हम जल्दी से ना ये वाली चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं इतनी देर में। ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने ना बहुत सारे आइटम कलेक्ट कर लिए हैं वैसे, बट मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है वैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ओके नेक्स्ट। ओके मेरे को ना भी ठीक है ना एटीएम मशीन में जाने, वहाँ से ना पैसे चुराने, बट या इन सबको ना भी फिलहाल भेजना दो। ये कॉल मिलते हैं जल्दी से, और ये बहुत ज़्यादा दूर भी है वैसे, 1/2 किलोमीटर दूर है वैसे ये। फिलहाल सीधा ही चलना होगा, पता नहीं ये कहाँ पर है एटीएम। एक मिनट फिलहाल बैक कर चलते हैं। ये देखो मेरी शिकल चेक करो यार, ये है मैं हूँ डाकू। मेरे को ना भी इस तरफ जाना है। चलो ठीक हो गया। बट यहाँ से ना ये तो सुपरमार्केट आ गया दोबारा। मेरे को ना भी इस तरफ चलना चाहिए यार, इस तरफ तो चलते हैं। तो वो रहा सामने जहाँ पर हमने जाना है।
ये देखो यहाँ पर अब हम उतर गए हैं। कार तो मैंने थोड़ी इस तरफ ड्रॉप कर दिया ताकि उनको ना किसी को पता ना चले। तो इसको बाइक कर लेते हैं, वैसे मेरे को ना टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी बाइक कर लेते हैं। ओके अभी ना हमने सारे कुछ टूल वगैरह खरीद लिए हैं, जो भी हम चलते हैं एटीएम, वहाँ से ना मेरे को बहुत ज़्यादा कैश मिलने वाला है। बट यही वही 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर सफ़र है इसका। ये देखो ये अट्ठा हो गया, मैंने ज़्यादा तेज़ी से उल्ट रहा था ना इस वजह से। ये देखो टायर के निशान चेक करो यार, इस तरफ मेरे को जाना है यार। ये इतना घटिया ड्राइवर, मेरे को ना गाड़ी चलाना भी नहीं आता यार। ये देखो सारी चीज़ें तोड़े जा रहा हूँ। बट मेरे को ना गाड़ी चलाना नहीं आ रहा यार। ये देखो यार मेरे को तो गाड़ी चलाना नहीं आता, बट अभी भी 130 मीटर सफ़र रह चुका है। यही रही हमारी एटीएम बैंक। तो फिलहाल जल्दी से ना बाहर निकल आया हूँ, तो फिलहाल जल्दी से ना इसको लूटते हैं। एंड एक्सपोर्ट इट अच्छा है टोल्स चेन टू अच्छा वर्शन 1.1 बेटा मेरे डक्स वर्शन 1 द रोड एंड डे। ये बस ख़त्म ये ना ठीक ना, हमारा जो है ना वो जो सिस्टम हैक सिस्टम वो सारा कुछ हैक कर रहा है। स्टार्टिंग लॉक डिकॉड टील, ये जो लॉक है ना ऑटोमेटिकली ठीक ना हो जाएगा। 1 हो गया, एक 10 109 8 ओके 4 7 3 4 9 5 6 8 ब्लैक पिन 8 6। नहीं मेरे को पहले सबसे पहले 8 चूज करना है। जल्दी से मेरे को 8 चूज करना है, 8 6। तो हमने ठीक ना पिन तो फोन कर लिया, एक्सेसिंग में लॉक्स एटीएम अनलॉक। ओके ये देखो यार कितना सारा कैश पड़ा हुआ यहाँ। इतना सारा कैश यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा बन जाऊँगा अभी तो। ये देखो यार अभी भी बहुत सारा कैश पड़ा हुआ नीचे। यस ये तो हमने कर दिया पूरा। दोस्तों अभी ना यहीं तक एंड करते हैं, बाकी जो हमारे पास कुछ पार्ट रह गया ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।